तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त हफ्ता वालम, फिर से एक नए ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हमारी इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना, और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अभी मैं छत पे हूं और ठंडी का मौसम है, और हमारे जो कंपनी का रूम दिया हुआ है उसके छत के ऊपर आप लोग देख सकते हैं कितना सब कबाड़ वबाड़, जो फालतू सामान है मतलब कोई काम का नहीं हो, सब रखा हुआ है। और आप लोग को अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन भाई अगर हमारे छत पे ये सब सब फालतू चीज़ें पड़ा है तो है, ये नहीं है कि नहीं है। और मैं बोलता हूँ कि दूसरे का जब वीडियो आप लोग देख रहे हो, आप लोग कमेंट करते हो, आप लोग जवाब तो चाहिए ना कुछ, अगर कोई भी कमेंट कर रहे हो किसी के बारे में आप पूछ रहे हो तो उसका जवाब आपको चाहिए, तो कहीं मिलता नहीं होगा। लेकिन मैं कोई भी आदमी अगर वीडियो मेरा देख करके कमेंट कर रहा है तो मैं उसका 100% जवाब देता हूँ, ये आप लोग तो जानते ही हो। और इसका मैं बता दूं कि ये नहीं है कि मैं कोई भी आदमी कमेंट किया उसका जवाब नहीं दिया। हाँ, कभी अगर बाय द वे मिस्टेक से छूट गया हो, रीड नहीं कर पाया, देखा नहीं मैंने, तो इसके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता। अगर नहीं तो दोबारा कर सकता है और उसका जवाब मैं 100% दूंगा। और अभी तो मैं फ़िलहाल यहाँ छत पे घूम रहा हूँ, और मैं सोचा कि आप लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन दूँ। और मैं बताया था कि जब फीफा वर्ल्ड कप ख़त्म हो जाएगा तो सिलाई का वीज़ा वीज़ा अगर रहेगा मेरे पास तो मैं बताऊँगा। और फीफा जब हो रहा था तो उस टाइम तो बहुत सारा जो है कंपनियाँ वीज़ा वीज़ा नहीं निकल रहा था, और अभी फ़िलहाल सब कुछ चालू हो गया है, वीज़ा वीज़ा निकल रहा है। लेकिन कोरोना का थोड़ा बहुत यहाँ पर भी थोड़ा बहुत तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर सेफ्टी इतना ज़्यादा है कि कोई दिक्कत नहीं है। और मैं बता दूँ कि अगर आप लोग आना चाहते हैं तो मैं एक आइडिया बता देता हूँ कि आप जहाँ रहते हो ना, आप जिस देश में रहते हो, इंडिया में, नेपाल में, बांग्लादेश या कहीं पर भी रहते हो, तो वहाँ पे नज़दीकी जो ऑफिस है वहाँ पर आप पता करिए एक बार कि दोहा कतर का अगर वैकेंसी है तो आप वहाँ पर अप्लाई करिए। और यहाँ का जो वीज़ा है ना भाई, मैं बता दूँ कि यहाँ नाम से वीज़ा निकलता है, मतलब ये नहीं कि हमको अगर कोई दे दिया किसी ने तो मैं उसको भेज दिया और कोई भी बंदा आ जाए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ पर जो है नाम से वीज़ा निकलेगा, उसका पासपोर्ट चाहिए, पासपोर्ट यहाँ पर फोटोकॉपी उसका रहता है और उसके नाम से वीज़ा निकलता है, और उसके बाद फिर उस बंदे को यहाँ पर आकर के काम करना होता है। तो यहाँ का जो भी वीज़ा है वो सीधा ऑफिस में जाता है, जो बड़े बड़े ऑफिस वाले हैं वो लोग डायरेक्ट ले करके, और उन लोगों के पास जब पहुँचता है तो वैकेंसी के नाम पे इंटरव्यू लिया जाता है, और उसके बाद यहाँ पर आकर के लोग काम करते हैं। तो ज़्यादातर वीज़ा जो हाथ में नहीं मिलता है, और सिलाई का वीज़ा तो मतलब ज़्यादातर मैं यही देख रहा हूँ कि यहाँ पर दोहा कतर में जैसे बाहर का वीज़ा ले लिए, आज़ाद वीज़ा, आप लोग समझ रहे हो कि आज़ाद वीज़ा अगर ले लिए, आज़ाद वीज़ा ले करके आ करके यहाँ पर काम लगा करके अपना कर रहे हैं, आज़ाद वीज़ा तो मिल जाएगा, मुश्किल नहीं है, आज़ाद वीज़ा तो आप पैसा देंगे तो मिल जाएगा। लेकिन उसमें दिक्कत है कि नए आदमियों के लिए भाई आज़ाद वीज़ा हमारे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि नए आदमी आएगा यहाँ पर काम भी सीखना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आप इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश में कहीं भी काम कर रहे हो तो यहाँ के फटाफट आप काम करने लगो, थोड़ा बहुत तो सीखना पड़ता है। और यहाँ आदमी ज़्यादा है, काम कम है, ठीक है, एक एक चीज़ मैं देखा हूँ कि आदमी बहुत ज़्यादा है, काम की कमी है और काम लग नहीं पाता है। लोग मैं बहुत देखा हूँ कि हमारे पास भी कई लोगों को मैं काम लगाया, कई लोगों को मैं भी जहाँ तक हमारे पास हो सका वहाँ तक मैं भी करता हूँ, और कई लोगों को मैं भी देखता हूँ, पता करता हूँ कि कहीं काम मिल जाए तो फिर उन लोगों का काम वाम लगा दिया जाए, लेकिन बहुत मुश्किल से मिलता है। और मैं जिसका भी काम लगाता हूँ यार, एक भी कुछ भी मतलब उसका कुछ नहीं, बस हेल्प करता हूँ, और उसमें कुछ नहीं कि मतलब हम वो मुझे कोई लालच है या मुझे कुछ उससे फ़ायदा लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सीधा उसका हेल्प करता हूँ। मेरे पास अगर कोई वीज़ा भी रहेगा और किसी कंपनी के बारे में मुझे पता रहेगा ना,
कोई बीजा वीजा निकला है तो मैं सीधा आप लोग को बताऊंगा। और मेरा जहां तक ये रहेगा कि अगर कंपनी का रहेगा, अगर मेरे पास अगर मुझे पता चला कि हाँ कंपनी में इतना आदमी चाहिए तो मैं बताऊंगा, और उसमें एक पैसा आपका नहीं लगेगा ये तो मैं मानता हूँ। पैसा देने वाला कंपनी का, अगर कंपनी का वीजा रहे पैसा दे के आए तो यार दोहा कतर में फिर मतलब नहीं है यार, क्यों पैसा देंगे। टिकट का जो पैसा लगता है वो सब अपना लगा के आ जाओ, और कहीं रहेगा तो अगर कुछ रहेगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल तो नहीं है। और आप लोग वीडियो हमारा देखते रहिए, जैसे कुछ रहेगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। और एक बात और मैं बता दूं कि जब क्या है ना कि थोड़ा हम हमारा जो वीडियो देखते हैं आप लोग थोड़ा शेयर और कीजिए और लोगों के पास भेजिए, थोड़ा और लोग हमसे जुड़ें। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा मैं आप लोग को मदद कर सकता हूँ, अगर ज़्यादा लोग नहीं जुड़ेंगे हमसे तो मैं उतना मदद नहीं कर सकता। जब ज़्यादा लोग हमारे पास जुड़ेंगे तब मैं आपका आपको ज़्यादा मदद कर सकता हूँ, इसलिए कि मैं किसी को बोलूँगा कि हमारे पास इतना आदमी है और हमको वीजा चाहिए, कोई भी चाहिए मंगाओ, सब अच्छे अच्छे हैं हैं, तो कोई भी तैयार होगा ना, तो यही बात है। तो आप लोग हमसे जुड़िए और हमसे कमेंट करके पूछिए, जो भी कुछ पूछना है और कुछ जो भी कुछ बताना है हमसे बताइए। मैं दोहा कतर में इस वक्त रहता हूँ, और मैं लास्ट में बता दूं कि मेरा जो कंपनी था, जो पहले मैं आप लोग को दिखाया था कि मेरा ये कंपनी है और यहाँ पे मैं काम करता हूँ, तो मेरा जो कंपनी था ना वो चेंज हो गया, अभी दूसरी जगह गया है, तो दूसरी जगह अच्छे तरीके से सेटअप नहीं हुआ है, तो मैं अभी जहाँ पहले था ना वहीं पे उसके जस्ट सामने गया है। और पहले कहाँ था मैं बता देता हूँ, क्योंकि पहले जो है मेरा कंपनी इसमें था, ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये इसमें था, लेकिन अभी नो उस रोड के उस पार चला गया है। और जब वो कंपनी, जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ, वो कंपनी पूरा सेटअप हो जाता है तो मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि वहाँ पर क्या क्या सेटअप हुआ है, कैसे कैसा मशीन लगा है। और बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि आप सिलाई करते हैं कि नहीं करते हैं, तो भाई मैं सिलाई ही करता हूँ, दूसरा काम नहीं करता, मैं कोई ड्राइवर वगैरह का काम नहीं करता और मैं सिलाई करता हूँ, लेकिन बशर्ते ये कि मैं जब वीडियो बनाता हूँ तो मुझे देख नहीं पाते हो आप लोग कि मैं सिलाई करता हूँ कि नहीं। अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं सिलाई कैसे कर सकता, मैं दो इंसान तो नहीं हूँ एक ही हूँ, तो अगर वीडियो में देख रहे हैं आप हमको तो मैं सिलाई करते नहीं दिख सकता। और कभी कोई अगर दूसरा आदमी कोई रहेगा अगर वीडियो बनाएगा तो मैं बताऊंगा कि हाँ आप लोग देख पाएंगे कि मैं सिलाई करता हूँ और सिलाई कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत यह है कि मैं भी सिलाई ही करता हूँ और तो बनाता हूँ यहाँ पर दोहा कतर में। तो बस आज का वीडियो यही है, उम्मीद करता हूँ आज का ये ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों का शेयर करें और हमसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें आप लोग। तो मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। ओके बाय, टेक केयर।